हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं लेटेस्ट टीआरपी लिस्ट के बारे में। दोस्तों जहां पर आज के इस वीडियो में सभी जो टॉप थ्री हैं उनकी टीआरपी के बारे में जानेंगे एंड इसी के साथ ही इन सभी सीरियल के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो होने वाला है काफ़ी ज़्यादा शानदार। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सारी ऑल न्यू अपडेट्स आपके फेवरेट सीरियल से जुड़ी मैं यहाँ पर आपको पहुँचाता रहूँ। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नंबर थ्री से। अब दोस्तों नंबर थ्री पर मैं जिस टीवी सीरियल का नाम लेने जा रहा हूँ आप पक्का मेरी बात सुनने के बाद गूगल करने वाले हैं क्योंकि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि नंबर थ्री पर कैसे हो सकता है ये सीरियल। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अनुपमा जो कि जब से स्टार पर आया है, स्टार चैनल पर आया है, उसके बाद इसके दो से तीन सप्ताह बीते ही थे उसके बाद ये टॉप मतलब नंबर वन के पोजीशन से नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है कि ये सीरियल सीधे तीसरे नंबर पर पहुंच गया, दूसरे भी नहीं सीधे तीसरे। वाकई में शॉकिंग है ये अनुपमा के सभी फैंस के लिए क्योंकि दोस्तों सीरियल का जो ट्रैक था वो थोड़ा सा बिगड़ गया जब लोकेशन वगैरह को चेंज करने की बात आई एंड काफ़ी कुछ वहाँ पर स्टोरी जो थी वो मिक्स हो गई। एंड फाइनली अब सीरियल में जो ट्रैक है वो अनुपमा की बीमारी वाला है एंड उसको लेकर जो वनराज है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है एंड इसी पे स्टोरी आगे बढ़ रही है। सो फाइनली जो अनुपमा का दमदार किरदार था वो कहीं खोया सा नज़र आया है सीरियल में एंड आई थिंक इसी के कारण टीआरपी जो है वो नीचे गिरती हुई नज़र आई और इसकी पोजीशन जो है वो तीसरे नंबर पर आ गई। दोस्तों मैं आपको टीआरपी जो है वो नंबर्स में नहीं बता रहा हूँ इस वीडियो में क्योंकि कई बार मैं वीडियोस में आपको टीआरपी बताता हूँ कि कितनी रेटिंग्स आई 3.1 3.9 जो भी मैं आपको बताता हूँ उसके बाद कन्फ्यूजन क्रिएट होता है क्योंकि आप अलग अलग जगह चेक करते हैं टीआरपी आपको अलग मिलती है क्योंकि दोस्तों टीआरपी को कैलकुलेशन करने के कई सारे तरीके होते हैं एंड हर जगह पर आपको डिफरेंट नंबर में वो मिल जाती है। सो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूँ। बात करते हैं दोस्तों सेकंड नंबर पर, तो हमेशा से ही सेकंड की पोजीशन, सेकंड थर्ड की पोजीशन पर बरकरार रहने वाला सीरियल द वन एंड ऑन दोस्तों इमली सीरियल। दोस्तों इमली जो है ये फिलहाल बहुत ही अच्छी स्टोरीज की चल रही है एंड ये इकलौता स्टार का ऐसा एक सीरियल फिलहाल चल रहा है जिसको देखने के बाद एक्साइटमेंट बढ़ जाती है क्योंकि इसके हर एपिसोड के बाद ये दिमाग में सवाल आता है कि यार अब आगे क्या दिखाया जा सकता है सीरियल में क्योंकि स्टोरी इतनी यूनिक है। हालांकि ये सीरियल भी रीमेक है किसी ऑल सीरियल का लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस करके आपको दिखाए गए हैं। इससे पहले जो था सेम स्टोरी पे एक और सीरियल जो था वो स्टार पर ही आया था लेकिन इसी स्टोरी पे बेस्ड होने के बाद भी वो टीवी सीरियल जो है 100 से 150 एपिसोड में ही बंद करना पड़ा क्योंकि उसे लोगों को वो सीरियल पसंद ही नहीं आया। लेकिन फिर भी सीरियल्स के मेकर्स ने इमली सीरियल की इस स्टोरी पर रिस्क लिया और उन्होंने रिस्क लेकर ये साबित कर दिया कि अच्छे से अगर सीरियल को दिखाया जाए, अच्छे स्टारकास्ट के साथ, अच्छे म्यूजिक के, अच्छी एक्टिंग के साथ दिखाया जाए तो सीरियल वाकई में दमदार बन सकता है चाहे स्टोरी कोई भी क्यों ना हो। और एक बार फिर से इमली ने दूसरे नंबर पर आकर ये साबित कर दिया कि सीरियल शानदार चल रहा है। अब आने वाले एपिसोड में दोस्तों इमली में जो है इमली अपना असल रूप दिखाने वाली है क्योंकि जहां पर बहुत ही ज्यादा मालिनी की जो मां है काफी परेशान कर रही है इमली को एंड फाइनली इमली ने भी उसे धमकी दे दी है एक तरफ से कि अगर मैं नौकरानी नहीं बनती तो तुम्हारी बेटी बहुरानी कभी नहीं बन पाती। एंड फाइनली इस सीरियल में वो ट्रैक अब नजर आ रहा है जहां पर इमली अपने हक की मांग करते हुए नजर आएगी। खैर जो आदित्य है वो तो उसे अपना हक देने के लिए पूरी तरह तैयार है पर इमली ही जो है कुछ रिश्तों की बेड़ियों में इस तरह बन गई है कि वो अपने अधिकार भूलकर लोगों की खुशियों के बारे में सोच रही है एंड स्टोरी में काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है, लोगों को भी सोचने में काफ़ी टाइम लगता है कि आखिरकार सीरियल में सही कौन है, इमली या फिर मालिनी। अब आप तय कीजिए कमेंट सेक्शन में कि कौन ज़्यादा सही है एंड आदित्य जो है वो किसका होना चाहिए। ठीक है तो नंबर वन की बात करते हैं। तो दोस्तों जिस सीरियल का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसकी मैं आपको लगातार अपडेट देता रहता हूँ, सीरियल गुम है किसी के प्यार में, फाइनली ये सीरियल जो है नंबर वन की पोजीशन पर आ चुका है। अब दोस्तों कारण जो है नंबर वन की पोजीशन पर आने का वो तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि सीरियल में एक तो विराट का जो मिशन था वो आया और जब भी किसी सीरियल में एक्शन धमाल ये सब एक साथ देखने को मिलता है खासकर एक्शन तो लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा उसे देखते हैं एंड लोगों को बहुत पसंद आता है। तो सबसे पहला कारण तो ये रहा लेकिन दूसरी चीज़ जो थी वो रहा सीरियल गुमे किसी के प्यार में का टीम वर्क। दोस्तों बता दूं कि बहुत से सीरियल जो हैं उन्होंने मुंबई में जब लॉकडाउन हुआ उसके बाद अपनी लोकेशन चेंज की
एंड उनकी स्टोरी पर इसका सीधा इफेक्ट देखने को मिला कि स्टोरी उन्हें पलटनी पड़ी, चेंज करनी पड़ी, किधर और जाते हुए दिखाना पड़ा। लेकिन गुमे किसी के प्यार में की टीम ने कुछ ऐसा बेहतरीन काम किया कि उन्होंने पता तक नहीं चलने दिया कि उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं लोकेशन में, खाली एक चौवान निवास में जो है हमें फ़र्क देखने को मिला, बाकी कहीं नहीं लगा कि सीरियल में कहीं ब्रेक आया है या फिर कहीं रुका है सीरियल को, स्टोरी को इधर उधर घुमाया गया हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई थिंक यही एक कारण रहा कि सीरियल गुमे किसी प्यार में नंबर वन की पोजिशन पर आया। एंड जिस बारे में मैं आपको लगातार बताता आया था दोस्तों कि नंबर वन की पोजिशन पर आएगा, क्योंकि अनुपमा की स्टोरी मेरे को काफ़ी लंबे समय से देख लग रही थी कि आगे थोड़ी सी अब रुकने वाली है स्टोरी एंड ये नीचे आ सकता है। निमली के बारे में मैंने आपको बताया था कि नंबर वन पर गुमे किसी के प्यार में ही आएगा और वैसा ही हुआ। तो ये थी दोस्तों नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री की टीआरपी। एंड मैं आपको बताना भूल गया गुमे किसी के प्यार में आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है, तो वो भी बताता हूं दोस्तों। इसके आने वाले एपिसोड में जो है विराट जो है घर पर आने वाला है, एंड घर पर आने के बाद काफी ज्यादा लोग उसे परेशान करने वाले हैं, क्योंकि एक तो बंदा विराट जो है हॉस्पिटल से गोली खाकर घर पर आया है एंड उसके बावजूद वो लोग घर पर खड़े होकर उसके लिए लड़ाई कर रहे हैं कि सई को अंदर लेकर नहीं आएगा। लेकिन फाइनली सई घर पर आने वाली है, पुलकित को इनविटेशन भेजा जाने वाला है एंड पुराना रहस्य जो है वो खुलकर सामने आने वाला है। अब ये पूरा रहस्य क्या है इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इस पूरे रहस्य के ऊपर से पर्दा मैं आपको अगले वीडियो पर उठाऊंगा। तो वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जब भी कोई नया वीडियो आता है उसके नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुंच जाएंगे। कोई भी सवाल है सीधा इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं मेरे साथ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल न्यू अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए, मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा। जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।